ओम अज्ञान तिमरान दश्य ज्ञानजना सलाकाय चक्षुन मिलते येन तस्मे श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट मस्तापित येन भूतले स्वयं रूपम कदा महापदाति स्वपन दिगम नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विदान स्वामने इति नामने नमस्ते सरस्वती देव गौरव निपरचान्ने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान्ने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री विषादि गौर भक्तविन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस जापा सत्र में उपस्थित आप सभी वैष्णवों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस हरिनाम के विषय में मुझे कुछ दो शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ। यह सब आप सभी वैष्णवों की कृपा और गुरु की कृपा है और मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें ताकि मैं अपनी इस कृष्ण भावना भावित भक्ति में हमेशा अग्रसर रहूं। हमारे आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे साधु संत हुए जो हमें हरिनाम के नाम लेने पर जोर देते रहे, चाहे वो कबीर हुए, गुरु नानक जी हुए, ऐसे बहुत सारे संत आए जो उन्होंने हरिनाम के नाम पे बल दिया। और हमारे बहुत सारे वैष्णवाचार्य भी हुए जिनमें मैं ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जी का नाम ले रहा हूँ। उनके कुछ कविता के उसके कुछ भजन के मैं कुछ आपको लाइन सुनाना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने अरुणादय कीर्तन में बोला है, मुकुंद माधव यादव हरी बोलन बोल रे वदन भरी मिछे नींद वशे गोले रे राती दिवस शरीर सजे। कहने का मतलब है प्रभु, अरे भाइयों तुम लोगों ने तो रात सोते सोते पार कर दिया, दिन को पूरे अपने शरीर के श्रृंगार में पार कर दिया, लेकिन जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, मानव जन्म हमको जो मिला है वो है हरिनाम का नाम लेने के लिए, वो तो हमने किया ही नहीं। इसीलिए हमें मुकुंद माधव यादव हरि आदि भगवान नामों का उच्च स्वर से हरिनाम करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। इसके आगे प्रभु और लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, एमन दुर्लभ मानव देव पाये की कोरा भाव न के है, एबे ना भजिलो यशोदा सुत चरमे पौड़बे लाजे। कहने का मतलब है प्रभु, इसमें लिखा है तुम स्वयं विचार करो, ऐसा दुर्लभ मानव प्राप्त होने पर तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी भी यशोदा नंदन श्री कृष्ण का भजन नहीं किया तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। अगर आप हरिनाम नहीं कर रहे हो तो आप अपने जीवन व्यर्थ में डाल रहे हो, आप इस सांसारिक भोग विलास में फंसे हुए हो। इसके आगे प्रभु और लिखते हैं, वो जीवन अनित्य जना सार ताहे नान विधि विपद आधार नामा आश्रया करे यतन तुमी ताका अपन काजे। वो बोलते हैं इतना तो जान लो ये जीवन अनित्य है, कोई मतलब फिक्स नहीं है कि ये यही होगा, आज ऐसा है कल कुछ है। अभी जैसे कोरोना काल में ही देखिए प्रभु कितना, मतलब जिनको नहीं मरना था वो भी मर रहे हैं, तो ये टोटली पूरा अनिश्चित है हमारी जिंदगी, और उसपे भी हमारे जीवन में नाना प्रकार की विपदाएं हैं। अतः वो सभी हम सभी मानव समाज से प्रार्थना करते हैं कि आप यत्न पूर्वक भगवान नाम का आश्रय ले और जीवन निर्वाह के लिए निमित सांसारिक व्यवहार करें, ये नहीं कि मैं पूरे सांसारिक भोग विलास में ही डूबा रहूं। ये ऐसा प्रार्थना कर रहे भक्ति विनोद ठाकुर जी हम सभी मानव समाज से। उसके बाद आगे बोलते हैं प्रभु, जीवरे कल्याण साधन काम जगते आसी ई मधुर नाम अविद्या तिमरित तपन रूपे हृदय गगने विराजे। वो बोलते हैं जीवों का कल्याण करने के लिए ही ये हरिनाम जमीन पर आया है, प्रकट हुआ है, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार से, जो हमारे हृदय में पूरा अंधकार भरा हुआ है, वहां पर ये सूर्य के समान ये उगेगा और हमारे सारे अज्ञान को दूर करेगा और हमें भक्ति भाव से जोड़ेगा और भगवान के नजदीक ले जाएगा और सांसारिक भोग इस भाव सागर से हमें पार करेगा। इसके आगे और एक भजन में भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, एनएचसी औषधि माया नसीवर लागे हरिनाम मंत्र लाओ तुम ही मांगी। वो बोलते हैं इस माया को काटने के लिए भगवान ने हमें हरिनाम महामंत्र दिया है जो हमारे मानव कल्याण के लिए बहुत ही कल्याणकारी है, इसलिए हमको इस महामंत्र का लेना चाहिए, हमको अपने गुरु से मांगना चाहिए ताकि हम इस सांसारिक भोग से दूर हो सके और भगवान के नजदीक जा सके। इसके आगे उनको ने एक और लाइन लिखा है प्रभु, उसमें बोलते हैं गोपीनाथ आमी तो तुमार जन। कहने का मतलब भगवान मैं तो आप ही का लोग हूँ, आप ही का बंधु हूँ, तुमार छाड़िए संसार भजनी, मतलब मैंने आपको छोड़कर
हरि नाम को छोड़कर, भजन को छोड़कर मैंने सिर्फ संसार का ही भोग विलास किया, भूलिया अपना धन, जो मेरा वास्तविक धन था हरि नाम, मैंने उसको छोड़ दिया है। और इसके आगे प्रभु बताया गया है कि हरि नाम का कितना महत्व है। अगर आप मूर्ति सेवा कर रहे हो, बहुत सारे का जन्मोत्सव वगैरह वगैरह मना रहे हो भगवान का, तो भी व्यर्थ है अगर आप जाप मंत्र नहीं करते हो, क्योंकि जाप मंत्र से हमारा आत्मशुद्धि होता है, हम भगवान के और नजदीक जाते हैं, हमारे सारे कलमेश दूर होते हैं। अगर आप शास्त्र पढ़ते हो, वेद पाठन पाठन करते हो, तो उससे भी हमारा कुछ भला नहीं हुआ, उससे हमारा सिर्फ मिथ्या अहंकार आता है कि मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, ये अहंकार आता है। लेकिन जब हम जाप मंत्र करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है। अगर हमें आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सफलता चाहिए तो हमको हरिनाम का मंत्र करना ही पड़ेगा, हरिनाम लेना ही पड़ेगा। और हरिनाम मंत्र को भागवत प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया गया है, बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, उससे आपको प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसका बहुत अच्छा प्रत्यक्ष उदाहरण है प्रभु महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि पांडवों के पास सिर्फ 7 थी, 11 और 7, बहुत डिफरेंट होता प्रभु। और कौरवों के पास भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, अश्वत्थामा थे, बहुत बड़े बड़े महारथी थे। लेकिन पांडवों के तरफ हरि थे, भगवान श्री कृष्ण, और हरि नाम था, इसीलिए उन्होंने ये युद्ध जीत लिया। नहीं तो इतने पांडवों में शक्ति नहीं थी कि वो इस युद्ध को जीत पाते, जब तक भीष्म जैसे महायोद्धा वहां रहते। तो ये बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है प्रभु हम सब मानव समाज के लिए। उसके बाद प्रभु हम में उतनी क्षमता नहीं है हम कि सतयुग की तरह तपस्या करें, त्रेता युग की तरह यज्ञ कर सके, द्वापर युग की तरह हम विग्रह पूजा कर सके, क्योंकि ना हमारे पास उतना क्षमता है, ना हमारे पास उतना पेशेंस है, ना हम उतना हमारे पास धन है। इसीलिए इस कलयुग की यही महत्ता महत्वपूर्ण है प्रभु कि आप सिर्फ हरिनाम लेकर ही इस भाव सागर से आप तर सकते हो। इसके आगे प्रभु मैं कुछ एक दो कहानी शेयर करना चाहूंगा। एक विधवा औरत रहती है 45-50 साल की, उसका एक लड़का रहता है 8-10 साल का। उस दिन पहले उस विधवा स्त्री की घुटने का नी सर्जरी होती है और पेट का भी सर्जरी होता है। तो वो बहुत सात्विक प्रवृत्ति की थी, भगवान का नाम लेती थी कृष्ण जी का हमेशा। तो कुछ दिन ऐसे ही हुआ तो उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो अब वो महिला उस बच्चे को उठाई और दौड़ते हुए गई हॉस्पिटल तक, और रास्ते भर कृष्ण भगवान को कोसती रही, मैं आपका नाम क्यों लेती हूँ, इतना सारा कष्ट हो रहा है मेरे को, ये हो रहा, वो हो रहा, वो हो रहा। जो हमारा मानव स्वभाव है कि कुछ भी संकट पड़े तो भगवान को दोष दो, अपना दोष नहीं देते, भगवान को दोष देते हम। ऐसे कहते कहते वो हॉस्पिटल पहुंच गई, सही टाइम पे पहुंची, बच्चे का ट्रीटमेंट हो गया, वो सकुशल वापस आ गए बच्चे। अब वो भगवान को अपने आप में ही सोचने लगी, मैं भगवान का क्यों नाम लूं जब मुझे इतना तकलीफ हो रहा है, मैं नहीं लूंगी। ऐसे कुछ दिन बीता, वो एक दिन सो रही थी तो उनको फिर वही सपना याद आया कि बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। तो फिर उनको रियलाइजेशन हुआ, उनको एहसास होने लगा, अरे मेरा तो पेट का सर्जरी, पेट का ऑपरेशन हुआ था, नी का सर्जरी हुआ था, मैंने बच्चे को कैसे उठा लिया, जो कि मुझे एक बाल्टी उठाने के लिए मना था, मैंने बच्चे को कैसे उठा लिया, और वो बच्चा भी मुझे इतना हल्का क्यों लग रहा था, और डॉक्टर जो कि 2 बजे तक ही रहते हैं वो 3, 3:30, 4 बजे तक क्या कर रहे थे। तो फिर उनको रियलाइजेशन हुआ, नहीं, ये हरिनाम जब हम लेते हैं तो भगवान हमारे को कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हैं, आप मानो या ना मानो, लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ, अगर हरिनाम हम कर रहे हैं, उनका अगर हम याद कर रहे हैं सुबह शाम, तो हमारे साथ कहीं ना कहीं वो हमारे साथ रहते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमारी वो सहायता करते हैं। उसके बाद प्रभु एक कहानी है अकबर बीरबल की जमाने की। अकबर बीरबल ऐसे ही नगर भ्रमण कर रहे थे तो एक ब्राह्मण उनके सामने आ गया जो बहुत दरिद्र अवस्था में था, भिक्षा उक्षा मांग रहा था। तो अकबर को ये अच्छा नहीं लगा, उसने बोला बीरबल इसको बुलाओ। उसको बुलाए, वो मिले, बोला एक काम करो, तुम आज से मेरे लिए हरिनाम करना, मेरे लिए जो भी तुम हरिनाम करोगे उसका फल मुझे अर्पण कर देना, और उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ धन दिया करूंगा। तो वो बोले ठीक है। अब उस दिन से क्या हुआ कि हर दिन ब्राह्मण के घर में 2 स्वर्ण मुद्राएं पहुंच जाया करती थी उस हरिनाम बदले लेने के में। तो अब ब्राह्मण के घर में धन की वर्षा होने लगी। वो सोचा कि अगर मैं राजा के लिए हरिनाम ले रहा हूं तो मुझे इतनी सुख मिल रही है, अगर मैं अपने लिए लूं, सिर्फ अपने भगवान के लिए लूं, तो मुझे क्या मिलेगा। तो ऐसा सोचता हुआ वो कुछ दिन उस गांव से, उस शहर से गायब हो गया, राजा के शहर से। अब ऐसे करते करते 6 महीना साल भर बीत गया, राजा के सैनिक ने बहुत खोजा लेकिन मिला नहीं।
एक साल के बाद एक साधु उस नगर में आगे दोबारा आते हैं, जिनको काफी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, काफी महान मतलब संत हो गए रहते उस समय, तो लोगों के बीच बहुत काफी चर्चा थी उनकी। तो लोग सब मिलने गए, राजा के बात में ये कान पहुंची, राजा कान में ये बात पहुंची, तो वो भी बोले ठीक है मैं भी मिलने चलता हूँ। तो बीरबल के साथ वो चल दिए। तो जब वहां पहुंचे, दर्शन उर्शन किए, सब हुआ, तो बीरबल बोले आप जानते हैं इसको बाबा को? बोला नहीं मैं तो नहीं जानता हूँ। बोला नहीं नहीं आप जानते हैं। बोला कैसे? बोला ये वही ब्राह्मण है जो आज से एक साल पहले आपको मिला था रोड पे। बोला अच्छा, तो ये कैसे हो गया? बोला ये सब ऐसा हुआ महाराज कि ये हरिनाम अपने लिए, अपने स्वेच्छा से लिए, अपने अपने लिए करने लगा, तो इसके जिसके फलस्वरूप इनको ये सिद्धियां प्राप्त हुई और ये इतने प्रसिद्ध हो गए। कहने का मतलब ये है प्रभु कि इस कलयुग में सिर्फ हरिनाम ही एक ऐसा है जो हमें इस सारे कलमेश से, सारे द्वेष से, सब कुछ से हमें दूर करेगा और भगवान के समीप ले जाएगा, और हम इस सांसारिक भोग विलास से दूर होंगे और इस भाव सागर से पार हो सकेंगे। तो हरिनाम की महिमा इतनी है कि प्रभु इस छोटी से वाणी से तो संभव नहीं है, लेकिन मैंने जितना हो सका मैंने कोशिश किया प्रभु, और इस जापाटॉक को मैं यही समाप्त करता हूँ प्रभु। अगर इस वाणी से कुछ भी ऊंची या निष्ठा हुई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु। हरे कृष्ण, धन्य प्रणाम प्रभु।